ये आपको 10 लीटर का आपको ये बैग मिलता है। इस तरीके से ये की है, जैसे कि इसको यहाँ आप लगाकर इसको एक ही कंपार्टमेंट बना सकते हैं। जैसे उस बैग में दोनों तरफ प्लास्टिक थी, इसमें जो सामान मैंने कलेक्ट किया, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने शूज भी लिए हुए हैं, मतलब एक बहुत हल्की, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग दिया गया है। लैपटॉप है दोनों में ही काफी, तो मुझे इसकी स्टिचिंग जो है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा 900, थोड़ा सही बताना चाहिए था। ये जो बातें होती है कि वाटर प्रूफ है, बट 2600-2700 रुपए का मिलता है, तो नॉट बैड। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है एक कंपैरिजन वीडियो। ये जो कंपैरिजन होने वाला है, ये दो रक्षक बैग में होने वाला है, जो कि आप ट्रैवल बैकपैक भी कह सकते हैं। जल्दी से मैं बता ही देता हूँ ये ब्रांड है कौन से ये बैकपैक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये है ट्रिपोलिटा कॉलोनल 80। तो दूसरा बैग जो है वो है आपका इम्पल्स का कैप्टन 95। तो दोस्तों, इसकी ये जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि पहले मैं इनकी डिटेल्स बताऊंगा, इनके फीचर्स बताऊंगा, इनमें सामान रखूंगा कि कितना सामान आ सकता है। 7 डेज टाइप का मैंने सामान निकाला हुआ है, और कैंप और मैट दोनों ही हैंग करके देखेंगे कि कैसे हो सकता है। और उसके बाद मैं अपना रिव्यू भी दूंगा कि मुझे कौन सा पसंद आया और किस लिए मेरे को कौन सा पसंद आया है। तो जल्दी से चलते हैं, इनके फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम इम्पल्स के फीचर्स जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इस कैपेसिटी की बात करूं, तो ये जैसे कि नाम है कैप्टन 95, तो 95 लीटर की इसकी कैपेसिटी मिलती है। अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूं, तो ये पूरा बैग जो ऐसे तो कोई डिटेल दी नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि पॉलिस्टर से बना हुआ है ये बैग। तो ये फ्रंट में सबसे ऊपर ही ये आपको 10 लीटर का आपको ये बैग मिलता है। आप चाहे तो आप इसको पॉकेट भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, अदरवाइज इसको डिटैच करके डे पैक भी बना सकते हो। जैसे कि आप हाइक पर जा रहे हो या बाहर जा रहे हो और आप नहीं चाहते कि ये बैग पूरा जाए और इसमें सामान जाए, तो आप इसमें अपने इम्पोर्टेंट सामान लेकर जा सकते हो। तो मैं आपको इस बैग के खोलकर दिखा देता हूँ। इसमें तो यहाँ पर एक चैन दी हुई है, ये प्लास्टिक की चैन है, और जो मेटल का आपको ये लॉक मिलता है। इसको ओपन करते हैं, 2-way जिप दे रखी है जो कि मेटल की है। यहाँ पर अगर हम इसको जैसे कि ओपन करते हैं, आपको एक पॉकेट मिलती है। यहाँ पर आप अपनी हार्ड ड्राइव या आईपैड, अपने आईफोन, कुछ भी रख सकते हैं जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट। जो मैं स्पेस दिखा पा रहा हूँ, इतना स्पेस आपको मिलता है। अगर हम इसके बैक की बात करें, बैक में आपको सेम है जैसे बैग में होता है और बैगों में होता है, वैसे ही शोल्डर स्ट्रैप्स दी हुई हैं। आप लॉक की बात करूँ, अगर मैं इसके लॉक प्लास्टिक के लॉक दिए हुए हैं, एडजस्टेबल हैं, और नायलॉन की ये स्ट्रैप दी हुई है। ऊपर एक हैंडल भी दिया हुआ है जिससे आप इसको होल्ड भी कर सकते हो ऊपर से। तो ये होगी छोटे बैग की बात। अब हम चलते हैं बड़े बैग की तरफ, साइडों में चल लेते हैं। तो साइडों में आपको कंप्रेशन स्ट्रैप मिलती हैं दो। इसमें आप अपना, इस बैग को अगर सामान नहीं है ज़्यादा, तो इसमें आप कंप्रेस कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो साइडों में आपको जैसे कि इसमें दिया गया है, 2-way जिप के साथ एक पॉकेट मिलती है यहाँ पर। तो इसमें ये पॉकेट यहाँ तक आती है, यहाँ मेरे ख़त्म हो जाती है, तो काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। अगर हम नीचे की तरफ चलें, तो यहाँ एक बोतल होल्डर मिलता है आपको, जहाँ बोतल आप 1 लीटर टाइप बोतल रख सकते हो। और साइड में इलास्टिक कॉर्ड लॉक के साथ ये दी हुई है। आप इसमें मोनोपॉड भी लगा सकते हैं, कोई ट्राईपॉड भी लगा सकते हैं। चलते हैं हम दूसरी साइड। अगर हम दूसरी साइड की बात करें, तो सेम है जैसे उधर पॉकेट थी, वैसे ही इधर पॉकेट मिलती है 2-way जिप के साथ। और आपको बॉटम में एक बोतल होल्डर इधर भी मिलता है, सेम एज मैस क्लोथ एंड इलास्टिक के साथ। तो इस साइड भी सेम एज कंप्रेशन स्ट्रैप दी हुई है, और इधर भी आपको वही सेम जो इलास्टिक इधर दी हुई थी, वही इलास्टिक लॉक के साथ दी हुई है। अगर हम टॉप में देखें, तो दो स्ट्रैप मिलती हैं। ये स्ट्रैप आपने देखा होगा, आप मतलब मोस्टली लोग इसमें मैट लगाकर फंसा कर ले जाते हैं। आप अपना कैंप भी ले जा सकते हैं और मैट भी ले जा सकते हैं, और इवन अपनी जैकेट, अगर आपकी जैसे कि स्वेट आ रहा है और अपनी मतलब नहीं पहनना चाहते, तो यहाँ अपनी जैकेट भी लगा सकते हैं और इसको कंप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इस तरीके के बैगों में ज़रूरत होती है। इसी के नीचे की तरफ थोड़ा चलते हैं, तो पॉकेट मिलती है जिसे क्विक एक्सेस पॉकेट बोलते हैं। इसका स्पेस भी काफ़ी है, और दोस्तों यहाँ पर दो स्ट्रैप मिलती हैं आपको सामने। आप इसमें अपना टेंट या मैट यहाँ पर रख सकते हो आसानी से। बॉटम में आपको सूरक मिलती है, ये भी मेटल जिप के साथ मिलता है। इसमें भी 2-way जिप है, तो जो शू का स्पेस है वो आपको देख पा रहे हो, तो इतना स्पेस है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर एक कॉर्ड दे रखी है जिसमें लॉक लगाया हुआ है। आप अगर आपके पास शूज़ नहीं है, तो आप इसको ओपन करके और इस स्पेस को खोलकर इसको एक ही कंपार्टमेंट बना सकते हैं पूरा का पूरा। अगर हम बिल्कुल ही बॉटम की बात करें, तो आपको यहाँ पर रेन कवर का एक पॉकेट मिलती है, जिसमें आपको रेन कवर मिलता है।
तो यहाँ ये जो पॉकेट है, जैसे कि औरों में मैंने देखा है मोस्टली उसमें चैन होती है, बट इसमें ये इस तरीके की ये चिपकने वाली है। इसको आप ओपन करोगे तो आपको ये रेन कवर बाहर दिखेगा। अगर रेन कवर देखें तो इस पर इम्पल्स की ब्रांडिंग हो रखी है, तो इस तरीके से आपको इसमें रेन कवर भी मिलता है। वैसे तो ये वाटरप्रूफ है नहीं, अदरवाइज़ रेन कवर यूज़ करते हो तो कुछ हद तक वाटरप्रूफ होता है, अदरवाइज़ पूरा तो वाटरप्रूफ फिर भी नहीं होता क्योंकि पानी चला जाता है। और जो वाटरप्रूफ होते भी हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मोस्टली सस्ते नहीं होते। और हम इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है जो कि कॉर्ड से, जैसा कि होता है मोस्टली बैगों में वैसे ही है। अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर एक और ही इसी तरीके से लॉक और ये कॉर्ड में लगा हुआ मिलता है। ये इसलिए मिला हुआ है अगर आपका बैग जैसे कि यहाँ तक भर जाता है, आपके पास सामान ज़्यादा नहीं है तो आप इसको लगा सकते हो, अदरवाइज आपके पास सामान है ज़्यादा है तो आप इसको इतना एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये जैसे कि ओपन करा हमने मेन कंपार्टमेंट तो यहाँ पर एक लैपटॉप स्पेस मिलता है, अदरवाइज स्पेस तो अभी हम कपड़े रख कर देखेंगे इसमें कि कितने आ सकते हैं। अगर हम इसके बैक की बात करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैक, अगर हम शोल्डर स्ट्रैप्स की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी पीवीसी फॉर्म और मैस क्लोथ दे रखा है और स्टिचिंग भी मतलब डबल स्टिचिंग की हुई है यहाँ पर भी, तो थिकनेस में भी ध्यान दिया गया है। और इधर चेस्ट स्ट्रैप भी दी हुई है, अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी है। और ये जो शोल्डर स्ट्रैप है ये एडजस्टेबल है, जैसे कि आप इनको ऐसे यहाँ से ये खोल कर आराम से एडजस्ट कर सकते हो। इसको यहाँ खोलो और चाहो तो ये जो लॉक हैं अपने शोल्डर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम इसके बैक पैनल की बात करें तो ये बैक पैनल काफ़ी मुझे इम्प्रेसिव लगा है जितने ये पैसों में है बैग, कि एक इंच से भी ज़्यादा इसकी थिकनेस दी हुई है, जो इसकी फॉर्म है वही पीवीसी फॉर्म और मैस क्लोथ दिया हुआ है। दोनों तरफ पैच दिए हुए हैं, टॉप में भी पैच दिया हुआ है और बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है। ये स्पेस इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि इसमें ब्रीदेबिलिटी हो सके। तो ये हो गई ये पैडों की बात। अगर हम बॉटम की तरफ चलें थोड़ा, हिप पर भी उस सेम कुशनिंग दे रखी है जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। अगर हम हिप बेल्ट की बात करें तो सेम थिकनेस यहाँ भी दे रखी है, काफ़ी अच्छी थिकनेस है और वही मेस क्लोथ और पीवीसी फॉर्म है। आप अपने हिप के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम हिप बेल्ट के सामने की तरफ चलते हैं तो यहाँ आपको एक पॉकेट भी मिलती है, ये बहुत काम की पॉकेट होती है। आप इसमें अपने चेंजेस या कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं जो आगे की तरफ रहेगा और आपको ध्यान भी रहेगा इसके, तो और आराम से यहाँ से निकाल कर दे सकते हैं। अगर हम इसके थोड़े से ऊपर चलें तो यहाँ पर एक होल हैंडल दिया हुआ है, ये अगर आपको हैंग नहीं करना है तो इस हैंडल से उठा कर ले जा सकते हो। यही शोल्डर स्ट्रैप पर ये लोड लिफ्टर दिए हुए हैं दो। तो दोस्तों आई होप आपने सारे फीचर्स देखे होंगे। अब चलते हैं ट्रिपोल के कोरोनल 80 लीटर पर। तो दोस्तों अगर मैं इसके कैपेसिटी की बात करूं तो इसका नाम भी 80 कोरोनल 80 है, तो इसकी कैपेसिटी 80 लीटर है। अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूं तो इसका मटेरियल पॉलिस्टर है। अगर इसके टाइप की बात करूं कौन यूज कर सकता है तो ये यूनिसेक्स पैक है। तो जल्दी से इसके डिटेल्स जान लेते हैं, फीचर्स जान लेते हैं। तो इसमें एक बैग दिया गया है, इसकी जो साइज है वो साइड पर 15 लीटर बताया गया है। ये जो लॉक है ये लॉक मेटल का है और ये जो चैन है ये प्लास्टिक की है। इसको खोल कर देख लेते हैं। चैन की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी क्वालिटी, उसकी चैन के मुकाबले काफ़ी अच्छा फील कर पा रहे हैं इसमें। इसको खोल के भी देख लेते हैं जल्दी से। ये टू वे जिप के साथ दिया गया है और ये जो जिप हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो जैसे कि उस बैग में था कंपार्टमेंट दे रखा था, इसमें आईपैड या आईफोन या इम्पोर्टेंट जैसे कि पासपोर्ट टाइप ऐसी चीज़ें तो आप रख ही सकते हो यहाँ पर। इसकी जो डेप्थ है वो भी अच्छी खासी है, अगर आप जा रहे हो कहीं भी हाइकिंग पर तो इसको आराम से लेके जा सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या है उस बैग से कि इसमें की लेसिस भी दे रखी कि इसमें आप की लगाकर जा सकते हैं। इस तरीके से ये की है जैसे कि इसको यहाँ आप लगाकर जा सकते हैं, ये फीचर इसमें एक्स्ट्रा है। ये तो होगी डे पैक की बात जो इसमें एक्स्ट्रा है, कंप्लीट बैग को देखते हैं इतने। तो दोस्तों जैसे कि अब मैं साइड में चल लेता हूँ तो साइड में देख पा रहा हूँ जो कि मैं दो कंप्रेशन स्ट्रैप है, इसी स्ट्रैप में दो इलास्टिक के साथ ये दो लॉक भी दे रखे हैं जिसमें आप मोनोपोड कुछ भी ऐसी चीज़ें हैंग कर सकते हो। वैसे मोस्टली लोग यहाँ मोनोपोड या ट्राईपोड हैंग करते हैं, तो इसी के साइड में एक पॉकेट दी हुई है। पॉकेट में टू वे जिप के साथ है, वही क्वालिटी है मेटल प्लस नायलॉन। इसको खोल के देख लेते हैं स्पेस इसका कितना है। अगर फ्रेंड्स स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी स्पेस सेम है, स्पेस तो सेम है
जैसे उसमें था स्पेस, ऐसे ही इसमें स्पेस है। चैन की क्वालिटी की बात करूं तो चैन बहुत आराम से इसकी लग रही है, जैसे कि उसमें मेरे को थोड़ी लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट वही है, पैसे का तो अंतर है। नीचे जाकर एक बोतल होल्डर मिलता है, यहाँ आप एक 1 लीटर टाइप बोतल लगा सकते हो। अगर बोतल के होल्डर की बात करूँ, ये मेस क्लोथ है और इसके ऊपर लास्टिक दे रखी है। दूसरी साइड में भी सेम एज फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि उस साइड में 2 कंप्रेशन स्ट्रैप है, बट इधर लास्टिक नहीं है। जैसे उस बैग में दोनों तरफ लास्टिक थी, इसमें नहीं है। सेम ही फीचर के साथ ये पॉकेट दे रखी है इधर, सेम स्पेस है, सेम एज बोतल होल्डर भी इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि उधर दिया हुआ था। बॉटम में जैसे मैं देख पा रहा हूँ, तो इसमें हमें एक शू कंपार्टमेंट भी मिलता है। चाहे तो इसको हम शू कंपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एक कंपार्टमेंट भी बना सकते हैं, जो कि मैं अंदर आपको खोल कर दिखाई देता हूँ। ये 2-way जिप के साथ है, वही नायलॉन की जिप है और मेटल का लॉक है। तो ये स्पेस है जो शू रैक है, तो यहाँ आप अपने शूज रख सकते हैं। और जिस तरीके से ये है यहाँ कंपार्टमेंट डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ अगर इसको, इस लॉक को खोलोगे, इसको खींचोगे, तो आप ऐसे करके कंबाइंड कर सकते हो, इसको एक ही कंपार्टमेंट बना सकते हो। अदरवाइज शू तो होते ही हैं आमतौर पर, जब आप जाते हो तो एक पहन कर जाते हो और हाइकिंग शूज जैसे रख के जा सकते हो। आई डाउट कि जैसे कि उसमें मैंने देखा, इसमें भी मैंने देखा है कि हाइकिंग शूज आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े होते हैं हाइकिंग शूज़ का साइज जो होता है। और दोस्तों ये जो लॉक दे रखा है, जैसे कि उसमें जो लॉक था उसमें सिंगल टाइप का लॉक था, कुछ मतलब अलग डिज़ाइन का, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को लॉक उसके मुकाबले। तो दोस्तों अब नीचे की तरफ चलें, अगर हम ये रेन कवर की पॉकेट दी हुई है, तो इसको खोलेंगे तो इसमें हमें एक रेन कवर मिलता है, इस पर ट्रिपोल की जो कि ब्रांडिंग है, 80 से 105 लीटर जो ये इसका वर्जन है इसमें आते हैं। अब हम बैक साइड में देख लेते हैं क्या क्या है। अगर मैं बैक की बात करूं, सबसे पहले हम शोल्डर स्ट्रैप पर ही चलते हैं। शोल्डर स्ट्रैप की अगर मैं कुशनिंग की बात करूं, तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। कुशनिंग तो उसकी भी अच्छी थी जो ये शोल्डर स्ट्रैप है, दोनों में ही अर्गोनॉमिक है। चेस्ट स्ट्रैप इसमें भी दी गई है, जो चेस्ट स्ट्रैप है वो स्ट्रेचेबल है। अगर मैं इसके थोड़ी ऊपर की बात करूं, तो यहाँ मेरे को ये लोड लिफ्टर मिलता है, आप अपने लोड जैसे ज़्यादा हो जाता है या उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो इनको। शोल्डर जो स्ट्रैप हैं, आप इसको अपने हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ से निकाल कर, जैसे कि उसमें था, आप अपने हाइट के हिसाब से फिट कर सकते हैं। लूप्स दे रखे हैं यहाँ पर नायलॉन के। एक अगर मैं बैक पैनल की बात करूं, तो बैक पैनल में कुछ फाइबर का एक पैनल दे रखा है, ये रिमूवेबल है नहीं, ये इसी के अंदर फिटेड है। और एक जैसे कि उसमें उसमें एल्युमिनियम की रॉड डली हुई थी, इसमें एक फाइबर की रॉड डली हुई है यहाँ पर, तो ये इसमें है। बट इसमें, उसमें तो पिन्नी टाइप का ज़्यादा बहुत हल्का कुछ मटेरियल था, हो सकता है कुछ फाइबर ही हो, बट हल्का इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया गया है। अगर मैं इसके बैक की कुशनिंग की बात करूं, तो सेम एज वही डेप्थ दी गई है, इतनी ही है उसमें भी कुशनिंग, बट इसकी कुशनिंग और उसकी कुशनिंग में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर मैं बॉटम की तरफ चलूं, हिप बेल्ट मिलती है, तो हिप बेल्ट के जो हिप के यहाँ दिया हुआ है, सेम एज उसमें भी वही कुशनिंग थी, इसमें भी कुशनिंग है, बस इसकी कुशनिंग और फिनिशिंग में अंतर है। उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, इतने वही अंतर नहीं है। और ये जो है, ये सारा मैस क्लोथ और पीवीसी फॉर्म है सारे में। तो हिप बेल्ट पर एक पॉकेट दी हुई है, और ये जो आपकी ये जो हिप बेल्ट है, ये एडजस्टेबल है, आप अपने हिप के हिसाब से, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर 2 स्ट्रैप मिलती हैं आपको सामने, ये स्ट्रैप आप इसमें अपना टेंट या मैट यहाँ पर फंसा सकते हो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये लगाया, क्योंकि ये हाइकिंग बैग हैं, तो इसमें इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अपना टेंट या कुछ भी मैट टाइप लगा सकते हो यहाँ पर। और ऐसे ही 2 स्ट्रैप ऊपर दी गई हैं, यहाँ भी आप अपना टेंट या अपना मैट या अपनी जैकेट, अगर स्वेट आ गया आपको चलते चलते, वो कुछ भी यहाँ हैंग कर सकते हो। अब हम चल देते हैं इसके अंदर की तरफ। अगर मैं इसके हुड को खोलता हूँ, तो इसमें मेरे को एक हिडन पॉकेट मिलती है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, बहुत ही बढ़िया फीचर है ये, क्योंकि ये उसमें है नहीं, इसमें है। अब हम इसके अंदर चल लेते हैं, अंदर देखते हैं। तो अंदर सेम एज 2 ये दिए गए हैं लॉक। तो फर्स्ट लॉक जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा जो स्पेस बनाने के लिए होता है, ये वो है, जो कि दोनों में सेम है।
ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको ये एक्स्ट्रा कपड़ा मिलता है। अगर आपका बैग यहाँ से फालतू हो जाता है तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपके कपड़े हैं वो यहाँ तक आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अंदर दिखा तो नहीं सकता क्योंकि इसमें देख नहीं पाओगे आप, बट मैं आपको कपड़े रखकर इसमें दिखाऊंगा डेफिनेटली कि कितना सामान आ सकता है। इसमें एक लैपटॉप कंपार्टमेंट है और इसमें पैडिंग दी गई है। अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप में इस बेल्ट के नीचे ही एक और पॉकेट दी हुई है जो कि यहाँ पर है, ये एक्स्ट्रा पॉकेट, वही नायलॉन की जिप और मेटल की जिप है। इसमें भी सेम स्पेस है जैसे कि उस बैग में था, उतना ही स्पेस इसमें है। अगर मैं इसकी स्टिचिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी स्टिचिंग दी गई है, बैग में भी काफ़ी अच्छी स्टिचिंग है। तो दोस्तों जैसे कि आपने दोनों बैगों के फीचर्स देख लिए हैं, अब मैं आपको इसमें सामान जो है जो मैंने कलेक्ट किया है उसको रखकर दिखाता हूँ। जो सामान मैंने कलेक्ट किया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सामान है। तो ये मेरा ये सामान है इम्पल्स कैप्टन 95 में। सबसे पहले इन सामान को भरते हैं, देखते हैं कितना सामान उसमें आ पाता। तो इम्पल्स में सबसे पहले हम सूरक जो थी, सूरक में शूज रखते हैं जो मैंने बताना भूल गया था, तो मैंने शूज भी लिए हुए हैं जो कि मैं इन्हें मैं रखकर दिखाऊंगा आपको दोनों ही बैगों में। पहले रख लेते हैं इन शूज को। तो दोस्तों मैं इसे पहनकर भी दिखाई देता हूँ जिससे कि आपको इसका पोस्चर पता लग जाए। मेरी जो हाइट है वो 6 फुट है, तो जल्दी से मैं इसे पहनकर दिखाता हूँ ये लगता कैसा है आफ्टर पहनने को। तो दोस्तों जैसे आपने इम्पल्स में देखा हो, हम ट्रिपोल में भी रख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं वो रैक से स्टार्ट करते हैं, शू रख लेते हैं पहले। अगर इसमें हाइकिंग शूज़ रखते तो आई थिंक टफ हो जाएगा हाइकिंग शूज़ रखना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये शूज़ भी काफ़ी फिट आ रहे हैं, तो उसके लिए तो और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। अब हम मेन कंपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, लैपटॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। लैपटॉप है दोनों में ही काफ़ी फंसकर आ रहा है, मतलब एकदम फंसकर। तो ये मेरा जो लैपटॉप है इसका साइज 15 इंच है, तो ये याद रखें 15 इंच बहुत टाइट आ रहा है, 16 इंच आ ही नहीं पा रहा। अब मैं इसे पहनकर दिखाई देता हूँ, इसका पोस्टर दिखाई देता हूँ ये पहनने के बाद कैसे लगता है। दोस्तों ये इसका लुक है जो पहनने के बाद लगता है। अब आपको डिसाइड करना है, इसमें सारा दोनों ही बैगों में सारा सारा सामान आ गया है, बस इस बैग में जो ट्रिपोल का था इसमें ये बचा है, ये भी आराम से आ जाएगा अगर मैं कहीं फिट करना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसे मैंने इन दोनों बैग पैकों में सामान भर के दिखा दिया, इसके फीचर्स दिखा दिए, अब मैं अपना पर्सनल जो रिव्यू है मैं वो बताई देता हूँ कि मुझे ये बैग पैक दोनों में से क्या क्या अच्छा लगा है, क्या क्या बुरा लगा है, और इसके प्राइस और वारंटी ये सब भी मैं इसमें ही बता देता हूँ। अगर मैं इम्पल्स कैप्टन 95 की बात करूं तो मुझे इसकी स्टिचिंग जो है वो थोड़ी वीक लगी है, अदरवाइज इसके जो बकल हैं वो मेरे को थोड़े वीक लगे हैं, तो ये मेरे को थोड़ा ये मतलब एक बहुत हल्की फाइबर की सीट दे रखी है तो वो इम्प्रूव हो सकती है। अदरवाइज इसकी जो कुशनिंग है वो तो मेरे को ठीक लगी है, काफ़ी अच्छी ध्यान दिया गया है कुशनिंग पर भी, और ये जो आपकी ये जो मैस क्लोथ दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। बाकी जो कंपार्टमेंट की बात करूं तो कंपार्टमेंट में जैसे उसमें एक चैन एक्स्ट्रा है अंदर हिडन जो यहाँ पर दी गई है वो इसमें नहीं है, ये ओनली ऑन 2,082 रुपये का ये अमेजोन पर आपको मिलता है, मैंने अमेजोन से इसे ऑर्डर किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इन दोनों के ही लिंक दे रखे हैं। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूँ तो इसकी 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी मिलती है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट होता है तो ये वारंटी देने के लिए बात कर रहे हैं। अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि 900 ग्राम इन्होंने वेट बताया है इस बैग का, बट इसका बैग का वेट कम से कम 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा 900, ये थोड़ा सही बताना चाहिए था। तो प्राइस के लिहाज से तो ये काफी डिसेंट है, 2,082 रुपये का, नॉट बैड, आप यूज कर सकते हो। मेरे को वैसे पर्सनली थोड़ा सा वीक लगा है, अदरवाइज ये आप यूज कर सकते हो। तो जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट बैग पर, ट्रिपोल पर, उसका भी
मैं अपना एक्सपीरियंस बताए देता हूँ वो मुझे कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, तो इस बैग की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बट मुझे जो लगा है, मेरे को ओवरऑल इस बैग में प्राइस का लगा है कि प्राइस ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि इसका प्राइस की बात करूँ तो मैं 3299 रुपए का ये बैग आपको मिलता है। तो थोड़ा सा मेरे को लगा, जैसे कि इम्पल्स में अगर आप थोड़ी सा इम्प्रूव कर लेते हैं उसकी क्वालिटी, बिल्ड को इम्प्रूव कर लेते हैं सपोज, तो 2600-2700 रुपए का मिलता है, तो नॉट बैड, वो प्रोडक्ट और इम्प्रूव हो सकता है और अच्छा मिल सकता है। वैसे मेरे को काफी अच्छा लगा है कि इसकी जो जितने प्राइस दे भी रहे हैं एक्सपेंसिव है, बट चीज ठीक है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका जो वेट है 2 किलो 400 ग्राम है। 3 साल की इसकी वारंटी मिलती है, काफी अच्छी वारंटी है क्योंकि लॉन्ग टाइम है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जितने भी मैंने डिटेल्स दी है, जो भी बताया है, आप काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम ऐसा कंटेंट और लेकर आए और मोटिवेट हो। तो और भी मैं प्रोडक्टों की वीडियो आने वाले टाइम में लेकर आने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।